हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोन दोस्तों नेपोलियन नाम का नया इंग्लिश फिल्म देखा मैंने थिएटर में आई मैक्स में, में देखा यार लेट मी टेल यू इट्स इट्स अ अ बिग फिल्म ग्रैंड फिल्म ग्रैंड मतलब यार यार पैसा तो इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा खर्चा हुआ हुआ पूछो ही मत यार. पानी जैसा बहाया होगा पैसे को रिडली स्कॉट ने मतलब आप देखो लोकेशंस सेट डिजाइन कैनन्स ये वो जो भी है और वो वॉर सीक्वेंसेस को जिस तरह से डिजाइन करके दिखाया है बहुत अरे मैं बोल रहा हूं बहुत खर्चा हो गया करोड़ों में करोड़ों का करोड़ों में हो गया रहेगा यार You can't even imagine what the budget इमेजिन वॉट द must ऑफ दिस मूवी मस्ट है वो जो खर्चा किया है वो दिखता है उसका रिजल्ट एंड रिजल्ट आपको देखने मिलेगा स्क्रीन पर यार, पता चलेगा ये बहुत ही पैसा खर्चा किया गया फिल्म में यार तो वो एक चीज मतलब वहां पे क्रेडिट देना पड़ेगा यार रिलीज कॉर्ट को कि भाई पैसा लिया है उसको खर्चा भी किया है और उसका इफेक्ट भी आपने लाया है स्क्रीन पर नो डाउट अबाउट इट दोस्तों वॉट इज गुड इन द फिल्म द वॉर सीक्वेंसेज इनफैक्ट जिस तरह से फिल्म

यू you नो know, लड़ाई हो रहा है बर्फ पे अरे क्या है यार कैन धुप 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 करके फायर कर रहा है बर्फ पे लग रहा है बर्फ टूट रहा है लोग अंदर जा रहे हैं लोगों को लग रहा है लोग मर रहे लोग गिर रहे लोग उठ रहे हैं लोग भाग रहे यही सब चल रहा है यार मतलब परेशान हो जाओगे आप देख के भाई आप बोलोगे भाई क्या है ये और उसके बाद भाई वो फाइनल वाला वॉर सीक्वेंस दैट इज अनलाइक दैट यू मे हैव हैव एनीथिंग यू मे सीन बिफोर इन योर लाइफ अनलाइक एनीथिंग सुपर आप देखो यार उसमें सबसे पहली बात तो इतने सारे लोग अरे इतना सारा लोगों को इकट्ठा किया है रिडली स्कॉट ने वो फाइनल वाले बैटल के लिए सोल्जर्स ऑन बोथ साइड्स ये साइड साइड वो प्रशिया इंग्लैंड यू नो you know, अपना नेपोलियन का आर्मी ये वो वगैरह 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 हर जगह पे लोग ही लोग है यार मतलब लाखों करोड़ों में एक्चुअली मेरे ख्याल से लोगों को इकट्ठा किया होगा उसके बाद घोड़े अरे इतने सारे घोड़े और एक आदमी दो घोड़े को वगैरह दो दो घोड़े को लेकर आ

अरे इसमें एक फॉर्मेशन है यार मतलब वो सोल्जर्स मिलके ऐसा एक फॉर्मेशन बनाता है यार ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा एक फॉर्मेशन बनाता है वो फॉर्मेशन देखना यार वो फॉर्मेशन में है, फिर सेक्शन वन फायर सेक्शन टू फायर पहला सेक्शन बैठ के गोली करता है उसके बाद लोग बैठते हैं दूसरा सेक्शन गोली मारता है फिर लोग बैठते हैं अरे यार एंड उधर से नेपोलियन आ रहा है अपना ओकिन फिनिक्स घोड़े पे आ रहा प्यार धूड़ 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 इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है अरे यार मतलब आप वो देखो यार वो फाइनल वाला बैटल तो इतना ब्रिलियंटली डायरेक्ट किया कैसा कि डायरेक्ट किया रहेगा रिलीज स्कॉट ने मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार इट्स एब्सोल्युटली डिफिकल्ट बट द वे ही हैज डायरेक्टेड एंड शोकेज डेट यू विल गेट अ फीलिंग दैट यू आर प्रोबेबली सीइंग अ फुटेज फ्रॉम सम एक्चुअल वॉर फ्रॉम सम एक्चुअल बैटल फील्ड वो इफेक्ट वो इंपैक्ट लाता है यार वेरी वेरी गुड दोस्तों बट इसके अलावा फिल्म में क्या है मैं आपको बताता हूं वॉर सीक्वेंस आप निकाल दो बाकी तो अपना ओकिन फिनिक्स जो नेपोलियन बनके घूम रहा है उनका और उनके वाइफ का ही टाइम पास चल रहा है वो बार 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 एक लड़की है उनका नाम क्या है जोसेफिन उनके वाइफ का अरे बार बार जोसेफिन 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 जब से वो जोसेफिन को, जोसे को मिलता है उसके साथ चालू हो जाता है ठुकम तो ठुकाई और भाई साहब ये भड़क जाता है भड़क जाता है बट फिर भी बाद में जोसफिन जोसेफिन जोसेफिन के प्यार में वापस लट्टू तो जोसफिन से प्यार करता है जोसफिन के बारे में बातें करता है और जोसफिन से उसको एक बच्चा चाहिए जो बच्चा नहीं मिल रहा है उसको बहुत टाइम लग रहा है तो वो बच्चा चाहिए और वो चाहिए वाले प्रोसेस में वही ठुकम ठुकाई ठुकम ठुकाई ठुकम ठुकाई ठुकम ठुकाई चालू रहता है हमेशा जोसेफिन 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 बोलेगा और ठुकम ठुकाई ठुकम ठुकम ठुकाई अरे भाई एक बार तो ठुकम ठुकाई करने के लिए <laughs> डाइनिंग टेबल पे बैठा है जोसेफिन बैठ के खा रही है ये जोसेफिन इधर बैठी है और ओकिन फिनिक्स उधर बैठा है यानी नेपोलियन तो नेपोलियन क्या करता है वो डाइनिंग टेबल के नीचे से ऐसा 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 आके जोसेफिन का पैर पकड़ के खींचता है और डाइनिंग टेबल के नीचे ही चालू हो जाता है ठुकम ठुकाई एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें ठुकम ठुकाई हो रहा है अरे यार दो मिनट में गेम बच जाता है और उसके बाद है यार, <laughs> तो यही है बाकी जाने के बाद भी जोसेफिन जोसेफिन करता रहता है और यार फिल्म में एक्टिंग की बात करो यार ओकिन फिनिक्स तो मतलब ही वाज एंजॉयिंग दिस रोल वो तो अपने जलवे में था यार मतलब लाइक बोलते ना कोई कोई रोल जब आपको मिलता है आप अपने आप अपने अपने आप एंजॉय करने लगते हैं वो रोल को वैसे ही ऑकिन फिनिक्स का एक्टिंग लगा है बीच बीच में आपको ओकिन फिनिक्स का वो इडियोसिंक्रेसिस दिखाई देगा वो मैनरिज्म दिखाई देगा एक एक करते हुए